अब देखो यार, जब से मैंने इंडिया में ब्राजीलियन मूवमेंट का ट्रेंड लाया है, तब से ही सभी यूट्यूबर्स ब्राजीलियन मूवमेंट की ही वीडियो हगे जा रहे हैं। अच्छा, जिसकी वजह से ना ये हो रहा है। भाई क्या कर रहे हो यार? हिला रहा हूँ भाई, स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। पर हिला ही क्यों रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता इसे ब्राजीलियन मूवमेंट होता है। पर तुम तो मर गए यार। तो क्या हुआ, मैं तुझे मूवमेंट दिखाने आता हूँ। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। ये एक आम समस्या है जो कि हमारे फ्री फायर के ज्यादातर नूब प्रजातियों में पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा भयंकर और जहरीली है, इसलिए ये काफी तेजी से फैल रही है, जिसका शिकार आप भी हो सकते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि मैंने खुद ब्राजीलियन मूवमेंट के ऊपर दो वीडियो हगा है, जिसका कुछ ये परिणाम हुआ। फायर, मैंने आग लगा दी। लेकिन ध्यान से सुनो, मूवमेंट दो प्रकार की होती है, पहला काल्पनिक और दूसरा वास्तविक, और इन दोनों में काफी बड़ा अंतर है। ये दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो राह चलता कोई भी नूब बोल देगा ये भगवान क्या जुलूम है। जैसे ये है M1NX का मूवमेंट, जो कि एक काल्पनिक मूवमेंट है, और अब जरा इस वाले मूवमेंट को देखो। ये है अपेला पातो स्टाइल मूवमेंट, जो कि एक वास्तविक मूवमेंट है, जिसका इस्तेमाल रियल गेम्स में होता है, किसी छपरी यूट्यूबर्स की तरह नहीं कि स्क्रिप्टेड कस्टम बनवा के 5 पैसे का मूवमेंट दिखाओ और हेडशॉट मार दो। सारी उम्र में जोकर जबड़िया। और ये तो ये, जब मैंने इनका एक वीडियो देखा। What's up guys, it's your boy M1NX। ये सुनने के बाद मुझे सिर्फ एक ही बंदा याद आ रहा था। भाई मैं बस मजाक कर रहा था, सीरियस मत लेना, ठीक है? मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज बहुत कभी किसी को नहीं बोलूंगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछवाड़ा देख मूवमेंट तथा पिछवाड़ा दिखाओ मूवमेंट, यही नहीं अपेला पातो मूवमेंट और बैक जंप मूवमेंट, इन सभी को सिखा रखा है आप लोगों को इन दोनों वीडियोस में। लेकिन आज की इस वीडियो में जो होने वाला है ना, वो कुछ खतरनाक ही होने वाला है, कुछ रियल, कुछ जादुई चीजें, जिससे सच में आपका मूवमेंट बढ़ जाएगा। सिर्फ मूवमेंट ही नहीं बढ़ेगा, आपका गेम प्ले भी बेटर हो जाएगा। एक एक टिप्स, एक एक जादुई रहस्यों का पर्दाफाश आज की इस वीडियो में मैंने किया है, जिसकी बात हम वीडियो के आगे करें। अब देखो, मूवमेंट स्पीड अगर आप लोगों को बढ़ाना है ना, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहला रूल को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि है एक परफेक्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, जिसमें आप लोगों को ये वाला कॉम्बिनेशन करा के रखना है। ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा डेडली है मूवमेंट स्पीड के लिए। यहाँ पे मैंने पैसिव वाले स्लॉट में कैरोलिन, केली और DB कैरेक्टर लगा के रखा है, और वही बात की जाए एक्टिव स्किल की, यहाँ पे मैंने आलोक को लगा रखा है। अगर आप एक कस्टम प्लेयर हो, आप लोग ये वाला कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो वन टैप के लिए। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपके पास अवेकन के लिए है, तो वो बेस्ट होगा, ये आपको ओवरऑल मूवमेंट बढ़ा देगा हमेशा के लिए। और बात की DB की, तो जब आप लोग मूव करते हो, मूव करने के बाद फायर करते हो, तो आपकी एक्यूरेसी और मूवमेंट दोनों बढ़ाता है, जो कि मेरे हिसाब से मूवमेंट करने के लिए DB कैरेक्टर तो मस्ट होना चाहिए। और थर्ड वाले स्लॉट में मैंने लगा रखा है कैरोलिन। कैरोलिन क्या करता है कि जब आप लोग शॉटगन लेके जब दौड़ते हो, तो आपकी मूवमेंट स्पीड को कम नहीं होने देता है, और आलोक का तो आप लोगों को पता ही है, हेल्थ देता है, और जब स्किल एक्टिव रहता है तो आप लोगों को मूवमेंट भी देता है। अब देखो भाई लोग, ये था एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और कॉम्बो बताना चाहूंगा, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है, जिसमें आप लोगों को सिर्फ दो चेंजमेंट्स करने हैं। पहला, कैरोलिन की जगह में आप लोगों को लूना लगाना है, और सेकंड, जो कि आपका एक्टिव स्किल है, इसमें आप लोगों को तत्सुइया लगाना है, जिसका इस्तेमाल करके आप लोग कुछ इस तरीके से हेडशॉट मार सकते हो, जैसा कि यहाँ पे मैं मार रहा हूँ। आप लोगों को मूवमेंट चाहिए, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो आपके मूवमेंट स्पीड को 4 चांद लगा सकती है, वो है आपकी 3 फिंगर की कस्टम एचयूडी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, एक 3 फिंगर की कस्टम एचयूडी आपके मूवमेंट को काफी ज्यादा इनहेंस कर सकती है, क्योंकि उसमें आप लोगों को एक एक्स्ट्रा फिंगर का एडवांटेज मिलता है, और वो एक्स्ट्रा फिंगर आपके मूवमेंट में काफी गहरा प्रभाव डालता है, चाहे वो हेडशॉट मारने के बाद ग्लूवल लगाने से हो, या फिर ग्लूवल लगाने के बाद ग्लूवल से निकलने का हो। इन सब के लिए 3 फिंगर बहुत ज्यादा ही यूजफुल होता है, क्योंकि 3 फिंगर फ्यूचर है। अब अगर आप लोगों को एक परफेक्ट 3 फिंगर कस्टम एचयूडी बनाना है, तो आप लोग इस वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो, जो ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा। इसमें मैंने ये भी बताया है कि एक ब्राजीलियन 3 फिंगर कस्टम एचयूडी कैसे बनता है। सो 3 फिंगर की नॉलेज चाहिए, तो ये चैनल आपके लिए लेजेंडरी साबित होगा। सो अभी बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज की, यानी कि पॉइंट नंबर 3rd की, कि आखिर मूवमेंट बढ़ता कैसे है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखो, मूवमेंट बढ़ता है आपके फिंगर स्पीड से और आपके रिफ्लेक्सेस से, यही दोनों चीज आपके मूवमेंट स्पीड को बढ़ाती है। असल में जितने स्पीड से आप अपनी उंगलियों को चलाओगे, आपका मूवमेंट उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। सो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है अपने फिंगर स्पीड को
बढ़ाने में। काफी बंदों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि फिंगर स्पीड कैसे बढ़ता है, वो बढ़ता है आपके प्रैक्टिस से। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका फिंगर स्पीड बढ़ेगा। फिंगर स्पीड बढ़ाने के लिए भी आप लोगों को सही तरीके से प्रैक्टिस करना आना चाहिए। देखो कुछ स्पेशल नहीं करना है, आप लोग जो भी चीज करो जैसे कि हेडशॉट मारो, ग्लू वॉल लगाओ या फिर जंप करो, इन सभी चीजों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करनी है। मतलब जैसे ही हेडशॉट मारे तुरंत से वॉल लगाने की कोशिश करनी है, तुरंत से जंप करने की कोशिश करनी है, तुरंत से सीट ग्लू वॉल लगाने की कोशिश करनी है, हेडशॉट मारने के बाद तुरंत मूवमेंट करने की कोशिश करनी है, तुरंत पोजीशन चेंज करने की कोशिश करनी है। इस तरीके से प्रैक्टिस करना है आप लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड में, कस्टम में, अपने दोस्तों के साथ। पहले दिन प्रैक्टिस करोगे तो लगेगा यार कितना हार्ड है, बार बार मूवमेंट अटक रहा है, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन लगातार अगर आप लोग 5 से 6 दिन करते हो तो आप लोगों को काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप में से कोई बंदा यहाँ पे ओल्ड प्लेयर देख रहा है इस वीडियो को, तो उनको याद होगा एक बंदा था हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में जिसका नाम था M8N, जो कि सिर्फ 2 फिंगर में गेम प्ले करता था, लेकिन उसकी जो मूवमेंट थी वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी। उसका गेम प्ले एक बार आप लोग देख लेना, इस वीडियो में ही दिखा देता लेकिन वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और मुझे एक शायरी भी याद आ रही है, तो एक शायरी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। मुझे लगा वो किसी और की यादों में खोई हुई है, पर असलियत तो ये है कि वो सोई हुई है, समझ रहे हो, लेकिन किसी और के साथ। So, बस भाई लोग आज के इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना, और अगर आप लोगों को मूवमेंट के ऊपर और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोगों का गेम प्ले अभी तक सुधर नहीं पाया है तो इसका मतलब है कि आपकी सेंसिटिविटी सही तरीके से सेट नहीं है, तो चाहो तो आप लोग ये वाला वीडियो देख सकते हो। चलो तब तक के लिए बाय।